गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश जर्नी बी पेज नंबर 32। इससे पहले मैं सॉरी बोलना चाह रहा हूँ मैम अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 डेज से चेक नहीं कर पा रहा वर्क। ओके सर। वो आईज की प्रॉब्लम की वजह से है ना, तो मैं सबके नाम लिख के उनको हेलो तो ज़रूर बोलूँगा और उनको एक हैंड थम्सअप भी दूंगा आज, पर चेक में भी एक दो दिन बाद से स्टार्ट करूंगा वर्क, राइट। एनीवे, तो प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये आपने पहले करा था? यस सर। और अब हम रिवाइज कर रहे हैं? नो सर, एक्चुअली हमने आई साउंड्स के, ओके ओके, न्यू पेज आ गया। हाँ, वो आई साउंड कर लिए थे, ये वाला पेज न्यू। यस ओके, तो फर्स्ट इज विग। W, हाँ, ये विग की पिक्चर आ चुकी थी ना एक्चुअली। यस, WIG, विग। विग मतलब जो हम जो आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं ना सर पे, वो होती है विग। नेक्स्ट F-N, फिन, जो कि डॉल्फिन में फिन लगा हुआ होता है, मछली का पंख कह सकते हो आप। डैश IN, टिन, TIN, टिन। टिन मींस अ कंटेनर मेड ऑफ टिन। Fish, you already know, F-I-S-H, fish. Ring, R-I-N-G, ring. Next is a pin, P-I-N, pin. And then is a kit, K-I-T. इसमें लगी होती है एक zip. Anyway, fig, F-I-G, fig. ये एक fruit होता है, बहुत ही, कैसा fruit होता है मैम? एनर्जी गिविंग फ्रूट, ओके, इसको खाते हैं एज अ ड्राई फ्रूट ऑल्सो। किंग, K-I-N-G, किंग। शिप, S-H-I-P, शिप। नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू फॉर द गिवन पिक्चर्स। सो दिस इज अ बिब और निब। बिब तो वो बच्चों वाली होती है, आई थिंक, जिनके गले पे लगा देते हैं, जब आप छोटे बेबीज थे ना, मम्मा आपके नेक में लगाती थी बिब। सो दिस इज निब। नेक्स्ट, pig or dig, this pig. Is a pig. Dig. Zip and kit, zip, z-i-p, zip, वही जो लगी हुई होती थी हमारे किट में। lid या bit, l-i-d, lid, जो उसका कैप या ढक्कन होता है ना, तो बस इसके बाद भी लेना है मैम। यस सर। हम जाते हैं दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज नंबर। Unscramble the letters to get the correct names of the pictures. तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, उल्टा पुल्टा कर दिया है। हाँ, तो ये टिक लिख दिया, TIK, इसके सही स्पेलिंग क्या होंगे? Kit, K-I-T, तो इसको ठीक कर, IPZ, IPZ लिखा है। Yes, वो तो एक zip है। पिक्चर क्या है? Zip, तो Z-I-P। और इनका मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, I तो ज़रूर बीच में रख लीजिएगा, बाकी सेटिंग कर लीजिएगा, ओके। एनीवे, ये सब हमारे बेबीज खुद करेंगे, बिकॉज रिपीट हो रहे हैं सर ये, राइट। ओके, नेम नेक्स्ट है मैम। ओके, मैच द वर्ड्स दैट राइम द सेम वन हैज बीन डन फॉर यू। अगेन राइम साउंड्स, H-I-T, हिट, इसको मैच कर दिया IT साउंड से, P-I-T, पिट। B-I-B, बिब, बिब को हमने किया R-I-B, रिब। करके दिखाऊं क्या, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए। PIG, पिट, तो WIG, विग। BIN, बिन, WIN, विन। TIP, टिप, SIP, सिप। इजी था ना? यस सर। और मैम, आज हमें जाना है पेज नंबर 25 पे अगेन। ओके, पेज 25 पे वापस। यस सर। देखिए यहाँ पे है एक एक्सरसाइज है, मैच द वर्ड दैट राइम द सेम। आपको जो राइमिंग वर्ड्स वाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं इसमें। बैट, टैप, बैट, डैम, कैन और मैट, इनको भी आपने उसी वे में मैच करना है। कैप, जैम, मैट, मैट, कैप, मैन। लेकिन ये कहाँ करना है मैम? नोटबुक वर्क में सर। तो इस तरह से आइएगा नोटबुक पर, है ना, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, पेज 25 ऑफ इंग्लिश जर्नी। मैच द वर्ड्स दैट राइम सेम। सो वॉट यू हैव टू डू, आपको ये टेबल इसी तरह से बनाने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में, देन मैच। फिर आपको मैचिंग अपने आप करनी है, मम्मा से हेल्प नहीं लेनी, और ये राइटिंग भी आपको खुद करनी है। ओके।
तो केवल इतना काम है हमारे इंग्लिश में तो. एंड आफ्टर दैट जी के स्मार्ट फ्रेंड. ओके, इसमें ये वाला पेज लेते हैं. यस, पेज नंबर 51. एनिमल्स एंड देयर फूड. यस, अनजंबल द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड देन गेस व्हाट दे ईट टू कम बाय कंप्लीटिंग द वर्ड्स ऑन द राइट. So, here is ODG. D-O-G, dog. D-O-G, dog. A dog, dog kya eat karte hai? Bone. To aapko likhna hai aise yahan pe B-O-N-E. Bone. Next. P-C-A. C-A-T, cat. Cat. So, cat. Milk. M-I-L-K, milk. देखिए पैकेट पे भी लिखा हुआ है. पैकेट पे लिखा है. मैम ने यही से चीटिंग कर लीजिएगा. मैम ने स्मार्ट कर कोई बात नहीं. O U E O S E U M mouse. M O U S E mouse. और ये है एक चीज, पीस ऑफ चीज, राइट. चीज लिख देना है यहाँ पर. नेक्स्ट sheep. S H double E P sheep. And ये है ग्रास, जी आर ए एस एस. तो ये आपका एक ही पेज है. नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे अपनी जी के बुक में. ईट एंड ड्रिंक एंड हॉट एंड कोल्ड. वहाँ पे क्या आया ना, डॉग की आई बोन, वो बोन खाता है. फिर आया था मिल्क, मिल्क को हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं. यस, सो मैम, व्हेनेवर वी हैव फूड वी ईट इट. ओके, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा. कल आप कह रही थी कि सर प्लीज ड्रिंक योर डिनर, ऐसे नहीं बोलना था. ओके, ईट बोलना था सर. हाँ, ओके. और फिर आप मॉर्निंग में आज कह रही थी प्लीज ईट योर मिल्क शेक. ओके, वहाँ पे तो ड्रिंक बोलना था क्योंकि मिल्क शेक तो ड्रिंक करते हैं. तो फिर आप ठीक है सर, मुझे अब आ गया, अब मैं मिस्टेक नहीं करूँगी. राइट, सो व्हेनेवर वी हैव समथिंग, व्हेन वी आर hungry, right? Then we will eat. Okay. But when we are thirsty, we will drink. Okay? Or liquid things can be drunk. Okay? Okay. Liquids होंगे उनको drink करना. तो ये देखिए यहाँ पे तो पहले से हमने, मैंने मैम को अभी पढ़ाया ना, सब कुछ भर दिया मैंने फिर. Yes, sir. Like, these are breads. Breads. So, eat ही करते हम. Yes. Milk. Drink. B. And juice. D. Bananas. Eat. E, right? तो बहुत इजी था. चलते हैं हॉट एंड कोल्ड पे. हॉट, सो यहाँ पे फायर है ना, ये फायर क्या करती है, हमको हॉट रखती है ना. जब विंटर्स होते थे ना पुराने टाइम में, अब तो आप लोग हीटर चला लेते हो, एसी भी इन्वर्ट कौन सा वाला होता है, कन्वर्टिबल टाइप है ना, उसमें से भी हीट आती है. लेकिन पुराने टाइम में आग जला लिया करते थे हॉट रहने के लिए. कोल्ड, ये तो आइस क्यूब्स हैं, ये तो आपको पता है सबको, है ना, ठंडा ठंडा. यस, इट्स एग्जांपल्स. द जूस, ये कोल्ड है हॉट, अब आप बताइए सर. आप हॉट करके पीते हैं ना, लेकिन कोल्ड तो है, राइट. रेड, इसको ब्लू कर देंगे. कोल्ड जो है ना, उन्हें ब्लू और रेड आएगा हॉट के लिए. ओके, तो ये है सूप, इसको ठंडा करके पीना है, लेकिन ये हॉट तो होता ही है ना, तो रेड. आइसक्रीम, ब्लू यानी कि कोल्ड. एग नूडल्स, हॉट रेड. इजी था ना. यस, चलिए. तो आपको तो पहले से ही आता था, खैर. हाँ, मैम को आज मुझे आज आ गया, समझ आ गया, मुझे नहीं पता था. ओके, होप आप लोगों को भी आ गया होगा. सो एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है. ओके, बाय बाय.